पंजाब विधानसभा चोणां नूं लै के दिल्ली दे मुख मंत्री अते आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल मुड़ पंजाब पहुंच चुके ने। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दी जित नूं लै के केजरीवाल दे वल्लों पार्टी उम्मीदवारां दे हक दे विच चोण प्रचार कीता जावेगा, पर इस मौके केजरीवाल ने कहा है कि सारे सर्वे आम आदमी पार्टी दी सरकार बनाउण जा रहे ने। सर्वेयां दे विच 60 तों 62 सीटां आम आदमी पार्टी नूं दित्तियां जा रहियां ने। इस दे नाल ही केजरीवाल ने विरोधियों ते निशाना साधदे होए कहा कि पीएम दी सुरक्षा दे मामले दे विच राजनीति नहीं होनी चाहीदी। उन्होंने यह भी कहा कि जे राजनीति हुंदी है तां इह गलत है। बिक्रम मजीठिया दे आप दे पंजाब चोणां दे विच रेस दे विच ना होण दे बयान ते बोलदे होए कहा कि इह नतीजे दसणगे। 8-8 दिन रह गए हैं और सभी सर्वे ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनना लगभग तय है, पर सर्वे में ये भी आ रहा है कि कोई दिखा रहा है 60 सीट, कोई दिखा रहा है 62 सीट। तो मेरी सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि खूब मेहनत करें, आखिरी धक्का मारें, हमें 80 से ज़्यादा लेके आनी है ताकि स्टेबल रहे सरकार। सभी वोटर से भी अपील है, पंजाब के सभी लोगों से भी अपील है कि अब सब लोग कोशिश करके, हर वोटर जो है, हर पंजाबी जो है, वो भी पंजाब में ईमानदार सरकार बनाने के लिए सब लोग कैंपेनिंग में मदद करें। हर व्यक्ति 10-10 वोट लाने की जिम्मेदारी ले ले तो पूरा पंजाब एक तरह से कैंपेनिंग में लग जाएगा। सर, कितने दिन का स्केड्यूल है आपका? मैं अब आखिरी दिन तक हूँ। आखिरी दिन तक रहेंगे। सर, नवनीत बिट्टू ने कहा कि पीएम जी सर को लेके जो की बाई रोड ना आए, बाई ए रहे, उनको कहने दीजिए। उनको मेरा ये कहना है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट बड़ा नाजुक होता है, उसमें इस किस्म से पीएम सिक्योरिटी को लेके, इंटरनल सिक्योरिटी को लेके राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति होती है तो वो अच्छी बात नहीं है। केजरीवाल सर, आम आदमी पार्टी के लिए करना विक्रम मजीठिया का बयान है, कहते वो रेस में नहीं है, उनको कहने दीजिए, वो तो नतीजे वाले दिन 10 मार्च को पता चलेगा। सर, सीएम चन्नी जो है